हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम नवीश और आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 12 के लीक्स के बारे में। आपको पता है आईफोन 12 बस लॉन्च होने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, सितंबर में लॉन्च होता है, इस बार शायद थोड़ा लेट हो, बट हाँ आईफोन 12 का लॉन्च पास ही है और उसके बारे में बहुत सारे लीक्स आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली न्यूज, ऐसा बोला जा रहा है कि सारे के सारे आईफोन 5G होंगे, चाहे वो आईफोन प्रो हो या नॉन प्रो वेरिएंट हो, सारे के सारे ऐसा बोला जा रहा है कि 5G ही होंगे। तो ये पहला लीक है कि सारे आईफोन 5G आने वाले हैं और हमारे को डिजाइन लीक भी आ गया है आईफोन का। और एक और बात, आईफोन 12 लॉन्च कब होगा? इस बार ये ऐसा बोला जा रहा है कि सितंबर में, वैसे लॉन्च इवेंट होता था बट बोला जा रहा है कि सितंबर में इस बार ये लॉन्च नहीं होगा। इस बार ही शायद कोविड-19 और बाकी सारे सिचुएशंस की वजह से आपका लॉन्च इवेंट अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि आईफोन 12 इस बार ही अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में लॉन्च होगा या फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर ये लॉन्च होगा। तो तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और किसी काम की लग रही है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन इट। आप अगर नए आए तो हम ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट लाते रहते हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू इट, थैंक यू। और एक और बात, इसमें ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो अब के आईफोन आएंगे उनके पीछे मैग्नेट्स लगे होंगे, तो राउंड राउंड छोटे छोटे बहुत सारे राउंड सर्कल के हिसाब से हर एक आईफोन में पीछे मैग्नेट लगे होंगे ताकि आपकी वायरलेस चार्जिंग इंप्रूव हो सके। कुछ वायरलेस चार्जिंग के रिलेटेड वो लाने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्यूचर में वो आने वाले आईफोन्स में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करने वाले, तो इस आईफोन के साथ, आईफोन 12 के साथ वो शुरू करने वाले, ऐसा बोला जा रहा है। प्लस जैसे हमने पहले बात की थी, ये लीक अभी भी आ रहा है कि आईफोन 12 के साथ चार्जर नहीं मिलेगा, वो ऑप्शनल होगा, तो बॉक्स भी शायद छोटा होगा और चार्जर उसमें नहीं होगा। अगर आपको जानना चाहते हैं कि आईफोन चार्जर क्यों नहीं दे रहा है और आईफोन अब बॉक्स में चार्जर क्यों नहीं देगा, आगे सैमसंग भी सेम फॉलो क्यों करने लगा है, तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो की, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आईफोन 12 A14 चिप के साथ आने वाला है। अब एप्पल की ये जो A14 चिप होने वाली है 5 नैनोमीटर पे बनने वाली है, और मैं आपको इतना बता दूं कि शायद ये पहली 5 नैनोमीटर की चिप होगी जो फोन के लिए आएगी। तो फोन की सबसे पहली चिप शायद एप्पल ही लाने वाला है A14 करके, और 5 नैनोमीटर की चिप बहुत ज्यादा फास्ट होगी और बहुत बैटरी बचाएगी, क्योंकि अभी तक हम 7 नैनोमीटर पे चले गए थे। जितनी भी चिप्स आ रही, सबसे हाई क्वालिटी, सबसे फ्लैगशिप लेवल की जितनी भी चिप्स आ रही थी, वो सारी के सारे प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पे थे। एप्पल अब 5 नैनोमीटर पे शिफ्ट हो रहा है, जिसका मतलब है ज्यादा बैटरी और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। और इस बार वो 4 कैमरा उसके साथ आने वाला है, पीछे 4 कैमरा होने वाले हैं। बेसिकली वो 4 प्रॉपर कैमरा नहीं होंगे, जो चौथा कैमरा होगा वो थोड़ा छोटा लाइडार सेंसर होगा एप्पल का। साथ ही साथ ऐसा बोला जा रहा है कि एप्पल पोर्टलेस आईफोन्स भी लाने वाला है अगले साल से, तो इस साल से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और ऐसा बोला जा रहा था कि जो प्रो की नॉच होगी वो छोटी हो जाएगी, बट अब नए लीक्स ऐसे आ रहे हैं कि उनकी जो आईफोन 12 प्रो होंगे उनकी नॉच छोटी नहीं होगी। और ऐसा बोला जा रहा था कि आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के साथ 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आएगी, बट ये अभी डाउटफुल है। डिस्प्ले बेशक सैमसंग बना रहा है, वो OLED डिस्प्ले सैमसंग बनाएगा जो 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती होगी, बट जो एप्पल का हार्डवेयर है वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट शायद ना कर पाए 120 हर्ट्ज, तो वो आगे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के बाद भी शायद 120 हर्ट्ज एप्पल आपको ऑन करके ना दे पाए। तो बोला जा रहा है कि 120 हर्ट्ज आ भी सकता है, वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं आएगा, बट ये अभी भी पूरा कंफ्यूजन ही है कि आएगा कि नहीं। सो लेट्स वेट जब तक आईफोन नहीं आता है, तो किसी नए लीक की वेट करते हैं। और आईफोन का डिजाइन जो आया है इस बार, ये जैसा लग रहा है देखने से, वो ऐसा ही लग रहा है जैसे 5S का डिजाइन था, वैसा डिजाइन एप्पल ने कॉपी किया और वैसा ही डिजाइन वो लाने वाले हैं आईफोन 12। और लास्ट चीज, ऐसा बोला जा रहा है कि 4 या 5 आईफोन आएंगे। 4 आईफोन कौन से होंगे? एक आईफोन 12 होगा, एक आईफोन 12 मैक्स होगा, या प्लस भी बोल सकते हैं। तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि आईफोन मैक्स को अब आईफोन प्लस बोला जाएगा। तो बेसिकली 4 वेरिएंट्स बोले, 12, 12 मैक्स, फिर 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, या फिर 12 प्रो प्लस, तो ये 4 आ सकते हैं। बट साथ ही साथ ऐसा बोला जा रहा है एक 5वां आईफोन भी आ सकता है जो सिर्फ 4G होगा। वो 5वां आईफोन उसलिए आएगा जो भी, जहां पे भी रीजन में, जिस भी रीजन में 4G है और 5G आने के भी चांसेस नहीं है, जहां पे भी लगता है कि 5G अभी 1-2 साल तक नहीं आएगा, वहां के लिए वो 4G वाला आईफोन लॉन्च किया जाएगा, वो सस्ता भी होगा। तो ये 5th आईफोन के बारे में कुछ पक्का नहीं है, बट बोला जा रहा है कि सिर्फ 4G आईफोन भी लॉन्च कर सकता है एक, जो हेल्प करेगा कम प्राइस पे बिकने के लिए और एप्पल की सेल्स बढ़ाएगा। सो यही थी मेरी वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज लाइक इट और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।